हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपर्स 2.0। सो आज हम देखने वाले लेट कोड का प्रॉब्लम नंबर 1071, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ स्ट्रिंग्स। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इंट्यूशन वे, थर्ड देख लेंगे हम अप्रोच, फोर्थ देख लेंगे सोल्यूशन विद जावा कोड, फिफ्थ एट लास्ट हम देख लेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। सो पूरा इसके इनपुट्स एंड आउटपुट्स को देख लेते हैं। प्रॉब्लम के इनपुट में हमें दो स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू, एंड आउटपुट में हमें हमसे दो एक स्ट्रिंग ही मांगा है। और क्या बोला है कि जो स्ट्रिंग वन है एंड स्ट्रिंग टू है, ये दोनों में जो कॉमन होगा स्ट्रिंग वो हमें रिटर्न करना है, एंड जो रिटर्न करेंगे वो हमारा ग्रेटेस्ट स्ट्रिंग होना चाहिए। जस्ट लाइक हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर प्रॉब्लम जो लिखते थे नंबर का, तो वो हमारा कैसा होता था। जैसे सपोज करो दो नंबर हमें दिए होते, जीसीडी ऑफ टू नंबर कैसे होता है, निकालते नंबर 1 6 है, नंबर 2 9 है, तो फिर 6 मेरा 3 into 2 हो सकता है, एंड नंबर 2 दैट इज 9 वो 3 into 3 हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी ग्रेटेस्ट कॉमन रहते थे डिविजर, उसको ना ये करते थे, एग्रीगेट करते थे, एंड उसको हम रिटर्न करवाते थे। 3 यहाँ पर जैसे कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है जो कॉमन है दोनों में, इसलिए हमने 3 रिटर्न करवाया। तो सिमिलर वे में अगर ना हमारे पास दो स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, जैसे कि एबीसी एबीसी एबीसी, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे ना, हमें रिटर्न करवाना है स्ट्रिंग जो दोनों में कॉमन हो। तो ए मेरा कॉमन है, हाँ ए बी सी कॉमन है, मतलब ए बी सी यहाँ पर भी कॉमन है, ए बी सी यहाँ पर भी कॉमन है, एंड स्ट्रिंग है। तो क्या होगा कि जो एस होगा हमारा, वो हमारा एक्स प्लस, जैसे स्ट्रिंग 1 है एंड स्ट्रिंग 2 है मेरे पास, तो स्ट्रिंग 1 मेरा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ऑफ टू एक्स होगा एन टाइम, और जो मेरा स्ट्रिंग 2 है दैट इज टी, वो मेरा सम अप होगा एक्स का एम टाइम। एक्स क्या हो गया मेरा, ग्रेटेस्ट कॉमन स्ट्रिंग हो गया दोनों में से। मतलब ये तो हमें पता चल गया कि कुछ कॉमन स्ट्रिंग होगा जो बार बार कॉन्कैटिनेट होगा, लाइक एन नंबर ऑफ टाइम और एम नंबर ऑफ टाइम, इन ऑर्डर टू स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, ठीक है। तो हमारा अभी सिर्फ हमें ये पता करना है कि जो एक्स है वो क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन स्ट्रिंग क्या होगा दोनों भी स्ट्रिंग, सिर्फ वो एक बार हमें पता चल जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ये कर सकते हैं, मतलब रिटर्न करवा सकते हैं जो भी हमारा एक्स रहेगा, ठीक है। अभी लेट स्टार्ट विथ इंट्यूशन एंड वे। सो एज यहाँ पर बोला था कि हमारे पास स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 है, हम इसको नेव बेस में अगर सॉल्व करें, अगर ऐसा ह्यूमन अगर हमें बोला गया कि ये दोनों स्ट्रिंग दी है एंड इसकी लेंथ 6 है एंड इसकी स्ट्रिंग लेंथ 4 है, एंड ए बी ए बी ए बी स्ट्रिंग 1 था मेरा एंड ए बी स्ट्रिंग 2 है मेरा। सो हमें रिटर्न करवाना है ग्रेटेस्ट कॉमन स्ट्रिंग दोनों में क्या है। तो वो हमें दिख रहा है कि ए बी एक स्ट्रिंग है जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 बार एग्रीगेट हुआ है, एंड ए बी मेरे यहाँ पर 3 बार एग्रीगेट हुआ है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न क्या करवा सकता हूँ, ए बी रिटर्न करवा सकता हूँ एज आंसर। अगर मैं सेम एग्जांपल बस स्ट्रिंग 1 में ए बी और एक बार अपेंड करवा दूं, तो एज यहाँ पर ए बी 2 बार अपेंड हुआ है एंड ए बी यहाँ पर 4 बार आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ना ए बी तो रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन हमें क्या बोले, ग्रेटेस्ट कॉमन स्ट्रिंग जो कॉमन हो दोनों भी स्ट्रिंग में। तो मेरा ए बी ये भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है हाँ, एंड ए बी करके यहाँ पर भी 2 है, मतलब कॉन्कैटिनेट होने के बाद ये स्ट्रिंग बन रहा है मेरा, तो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन जो स्ट्रिंग जाएगा यहाँ पर रिटर्न होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। तो सपोज करो मेरे पास अगर एक स्ट्रिंग है, ये वाले हम कंसिडर करते हैं ए बी ए बी ए बी ए बी फोर लाइक ये इतना टाइम, एंड ए बी 2 टाइम। अगर मैं पहला वर्ड को कंसिडर करता हूँ, तो पहले वर्ड को कंसिडर करके अगर मुझे स्ट्रिंग बनाना है ऑफ लेंथ 8 कॉन्कैटिनेट करके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए को 8 बार लिख दिया, ठीक है, एंड फिर मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि ये इसके इक्वल है नहीं है,
वसीम ए ए को 4 बार लिख के सब चेक कर सकता हूँ क्या ये स्किपल है? नहीं है, तो ए तो हो नहीं सकता, अलोन ए मेरा एक स्ट्रिंग नहीं हो सकता। जो एक्स होगा वो मेरा एक सिंगल ए तो नहीं होगा, तो मैंने क्या किया फिर ए के बाद है ना सेकंड कैरेक्टर ट्रैवर्स करो इधर इन टी और एक और एस कोई भी एक स्ट्रिंग उठा लो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 और एक एक करके लेटर को ट्रैवर्स करो। जैसे मैंने ए पहले स्ट्रिंग 1 से निकाला था तो फिर ना कैरेक्टर 2 देखूंगा। बी जो है मेरा अगर मैं ए बी को मिला लूँ तो क्या मेरा ये स्ट्रिंग बन सकता है? स्ट्रिंग 1 कितने बार बनाना पड़ेगा? इसका लेंथ कितना है? 2 है। इसका लेंथ कितना? 8 है। तो मैं कब चेक करूंगा? जब 8 मॉड्यूलो 2 दैट इज इसका लेंथ डिवाइड बाय इसका लाइक इसका लेंथ करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी पॉसिबल भी होगा ये स्ट्रिंग बनाने का। क्यों? क्योंकि अगर ना मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी ए ठीक है, इसका लेंथ कितना हो गया? 3 हो गया एंड इसका लेंथ है मेरे पास 8 स्ट्रिंग फाइनल स्ट्रिंग का, तो पॉसिबल है क्या है 3 लेंथ की स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके 8 लेंथ का स्ट्रिंग बनाने को? नहीं, क्योंकि अगर हम इसको ना कॉन्केटिनेट करेंगे तो कितने बार होगा? 3 बार भी करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। नहीं, इसलिए ना 8 तो पॉसिबल ही नहीं है, लाइक कभी भी हम 8 लेंथ का स्ट्रिंग बना ही नहीं सकते 3 लेंथ के साथ, तो इसको ये वाले केस को हम इग्नोर मारेंगे। हम सिर्फ कंसिडर तभी करेंगे जब हमारा जो स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ ये है दिया हुआ मॉड्यूलो स्ट्रिंग ऑफ हमारा जो आंसर होगा उसका 0 होगा तब। लाइक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ मेरे को 8 दिया था तो मैं 2 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, ये सब पॉसिबल वे है। एंड एज मेरा जो फाइनल आंसर ग्रेटेस्ट बोला है तो अगर 4 का पॉसिबिलिटी बन रहा है तो मैं 4 को आंसर रिटर्न करवाऊंगा, 2 का पॉसिबिलिटी बन रहा है तो 2 का रिटर्न करवाऊंगा एंड 1 का बन रहा होगा तो 1 रिटर्न करवाऊंगा। तो फिर अब यहाँ पर क्या दिया था, हम ये एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एक्स हमारा ए बी हो गया था तो ए बी के साथ क्या हम ये बना सकते हैं स्ट्रिंग? हाँ बना सकते हैं। ए बी ए बी ए बी करके हमने 4 बार अपेंड करवा लिया यानी कि ए बी इंटू 4 करेंगे हम तो हमारा ये स्ट्रिंग तो बन जाएगा। अगर ए बी इंटू 2 कर दें हमने मतलब 2 बार उसको कॉन्केटिनेट कर दिया तो ये स्ट्रिंग भी बन जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 दोनों भी बन सकते हैं इससे। तो इसको मैं क्या करूंगा ना एक आंसर वेरिएबल बना लूंगा अपना, आंसर में हम एक्स को स्टोर करवा दूंगा। फिर मैं वापिस से आगे बढ़ के देखूंगा क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट कॉमन गोल है, तो मैं हर एक पॉसिबिलिटी आगे भी चेक करूंगा कि आगे और क्या कैरेक्टर को अपेंड करके पॉसिबल है क्या इसको बनाना। तो फिर अभी मैं क्या करूंगा ए को भी कंसिडर करूंगा, लाइक ए कंसिडर कर लिया था मैंने, बी कंसिडर कर लिया था, अभी फिर से ए कंसिडर करूंगा। ए को अपेंड किया तो 3 के साथ पॉसिबल है क्या 8 लेंथ का स्ट्रिंग बनाना? नहीं पॉसिबल है, 8 मॉड्यूलो 3 नॉट इक्वल टू लाइक 0 नहीं होता, और जब 0 होगा तभी मैं आगे बढ़कर उसको केसेस चेक करूंगा कॉन्केटिनेट एंड ऑल करके। ठीक है फिर आगे बढ़ो, फिर मैंने बी को भी अपेंड करवा लिया, बी को अपेंड करवाया तो अभी मेरा लेंथ कितना हो जाएगा? 4। तो 4 के साथ मैं 8 का स्ट्रिंग बना सकता हूँ क्या? हाँ बना सकता हूँ, तो मैं चेक करूंगा इसको कॉन्केटिनेट करूंगा एक्स को दैट इज ए बी ए बी। अगर इसको हम 2 बार कॉन्केटिनेट करेंगे तो क्या होगा हमें क्या मिलेगा ए बी ए बी ए बी ए बी, तो हाँ इक्वल है तो ये स्ट्रिंग तो बन जाएगा मेरा। और ये वाला जो है मतलब 4 ये 4 लेंथ का ही था तो इसके साथ मैं चेक करूंगा तो 4 मॉड्यूलो 4 हाँ इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है तो इसको मेरे को एक ही बार कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा ए बी इसको मैं एक बार कॉन्कैटिनेट करूंगा तो मेरा ये स्ट्रिंग भी बन जाएगा स्ट्रिंग 2 दैट इज। तो ये 4 लेंथ का भी पॉसिबल है तो मैं आंसर को अपेंड करवा दूंगा विथ माई लेटेस्ट एक्स जो भी मेरा लेटेस्ट है उससे अपेंड करवा दूंगा एंड दैट इज माई
एपी 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 एपी, मेरा आंसर क्या हो गया? एबी एपी हो गया। फिर मैं आगे चेक करूंगा, एक और ए अपेंड करूंगा। पॉसिबल है 5 के साथ 8 लेंथ का स्ट्रिंग बनाना? नहीं, पॉसिबल नहीं। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर आगे बढ़कर चेक करूंगा, बी को अपेंड करूंगा। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। फिर अपेंड करूंगा, फिर चेक करूंगा, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। फिर अपेंड करूंगा, फिर चेक करूंगा, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। अभी लास्ट में अगर मैंने सब अपेंड कर दिया तब मैं चेक करूंगा कि पॉसिबल है, तब तो ऑब्वियस पॉसिबल होगा, क्योंकि 8 मॉड्यूल 8 क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, तो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर ना मैं जाके अपेंड करके देखूंगा। जब मैंने लास्ट वाला अपेंड कर दिया, उसके बाद फिर मैं इसको x into 1, मतलब एक ही बार इसको कॉनकेटिनेट, मतलब एज इट इज रख के, ये आंसर तो मुझे मिल जाएगा, स्ट्रिंग 1 से तो मैच हो जाएगा, लेकिन जो मेरा ये रहेगा उसको एक टाइम भी रखूंगा। एंड स्ट्रिंग 2 जो है मेरा, ए बी 4 लेंथ का था, एंड मेरे पास x 8 लेंथ का है, तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर वो ये कर देगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हमारा आंसर यही रहेगा, ए बी। और लूप आने, लूप के बाहर आने के बाद हम ए बी रिटर्न करवा देंगे, तो हम इसको फाइनली रिटर्न करवा देंगे। तो हमने प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग देख ली, इंट्यूशन भी देख लिया, अप्रोच देख लिया। नाउ लेट स्टार्ट विद जावा कोड। तो जैसे मैंने बोला था, एक मेरे पास एक्स होगा एंड एक आंसर होगा, उसके बाद मैंने फॉर लूप पे जस्ट आइट्रेट करवा लिया, एक एक करके मुझे ना वेरिएबल उठा के एक्स में डालना पड़ेगा ना पहले, इसलिए मैंने आइट्रेट करवा लिया। एंड एक्स को मैं एक एक कैरेक्टर प्लस करते जा रहे हैं, एंड जब भी मेरा स्ट्रिंग 1 का लेंथ, स्ट्रिंग 1 है जो मेरा, स्ट्रिंग 1 का जो लेंथ था वो मॉड्यूलो एक्स का लेंथ इज इक्वल टू 0 होगा, एंड स्ट्रिंग 2 का लेंथ मॉड्यूलो एक्स का लेंथ अगर इक्वल टू 0 होगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा और फिर कॉनकेटिनेट करके पॉसिबिलिटी चेक करूंगा। एंड कॉनकेटिनेट मेरे एक फंक्शन लिख लिया मैंने, जहां पर मैं आंसर के अंदर ये कर दूंगा, मतलब जैसे मेरे पास एक्स दिया था ए बी, इसको मुझे 3 बार कॉनकेटिनेट करवाना होगा, तो मैंने एक फंक्शन लिख दिया जहां पर मैं एक्स को तो रिपीटेटिवली अपेंड करवा रहा हूँ एक्स में। जैसे कि मैंने ए बी पहले बार अपेंड करवा दिया, सेकेंड टाइम मैंने वापिस से ए बी अपेंड करवा दिया, एंड थर्ड टाइम वापिस से ए बी अपेंड करवा दिया। इसको अपेंड करवाने के बाद मैं इसको फाइनली रिटर्न करवा दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक कॉनकेटिनेट का फंक्शन लिख दिया, गेट कॉनकेटिनेट। वहां पर मैं स्ट्रिंग पास करूंगा और एंड पास करूंगा, कितने बार मुझे कॉनकेटिनेट करवाना है उसको, एक्स स्ट्रिंग को, वो करने के बाद मैंने आंसर रिटर्न करवा दिया। तो ये मेरा गेट कॉनकेटिनेट का फंक्शन है, जहां पर मैं एक्स जो भी होगा हमारा उसको कॉनकेटिनेट करवाऊंगा, कितने बार, String 1 divided by x of length, मतलब जैसे यहाँ पर 8 का मुझे बनाना था with 4, तो 8 by 2 8 by 4 करने पे मुझे जो आता है वो मैं उतने बार कॉनकेटिनेट करवाऊंगा। तो सिमिलर वे में String 2 को भी हम उतने बार कॉनकेटिनेट करवा लेंगे, एंड उसके बाद चेक कर लूंगा कि String 1 मेरा जो कॉनकेटिनेटेड 1 है उसके साथ इक्वल हो रहा है क्या। अगर इक्वल हो रहा हो String 1 एंड String 2 कॉनकेटिनेट के साथ, तो फिर मैं आंसर में अपेंड करवा रहा था, फिर आंसर मेरा अपडेट भी हो रहा है साथ में, एंड एट लास्ट मैं आंसर को रिटर्न करवा दूंगा। सो नाउ लेट्स गो फॉर द सबमिशन, एंड हियर वी गो, आवर आंसर हैज बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो भी स्ट्रिंग का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा वही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। जैसे मेरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 एम है, तो एम साइज का मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बी को ऑफ एम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।